यार इसके टिंडकी डिटेल चेक करो, इसकी टिंडकी डिटेल चेक करो, मतलब किसी चीज में डिटेल ही नहीं थी इसकी टिंड में यार। ये देख, ये इसको कहते हैं टिंडकी, या 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 यो ये करो। बहुत मेहनत लगी है, मिसाल के तौर पर अगर आप आधे घंटे या घंटे का भी गेम प्ले देखते हो ना, उस आधे घंटे घंटे के गेम प्ले को बनाने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो ना। वी आर बैक यार, आज हम वापस आ चुके हैं हिटमैन 3 को वापस लेके। हिटमैन 3 का हमने पहला स्टोरी इंट्रो में खेला था, अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम इसका अगला मिशन जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यार एक और बात मैंने कही थी, जो मेरा मतलब पिछला हमने इंट्रो बनाया था इसका, उसमें मैंने ज़्यादा तो नहीं पर मैंने खुद भी गौर किया था कि उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना, उस वीडियो में गेम तो सही थी लेकिन वीडियो के अंदर जो रिकॉर्डर था उसकी मसले की वजह से ना वो थोड़ा लैग हो रही थी वीडियो, और वो हुआ इस तरह क्योंकि विंडो ख़राब थी, सारी विंडो फाइल सारी बहुत ज़्यादा भर गया था मतलब, तो मैंने विंडो नहीं की थी उसकी, सारी जो सेटिंग्स थी OBS में चलाता हूँ रिकॉर्डर में, और वो सारी दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, उसकी जो पुरानी सेटिंग वो मैंने अपने PC के हिसाब से ना की हुई थी बेस्ट, वो अब मुझे याद भी नहीं थी है किस तरह की थी, मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की लेकिन वो नहीं मिली, लेकिन फिलहाल भी मैंने कोशिश की है और मैंने उसको थोड़ा बेहतर किया है। अब मुझे अभी मैं दोबारा रिकॉर्डिंग तो नहीं की लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब उससे थोड़ी बेहतर बनेगी, वो ज़्यादा लैग तो नहीं थी लेकिन हल्के हल्के अंदर महसूस हो रहा था। तो आज हम उसका अगला मिशन शुरू करते हैं हिटमैन 3 का PC पे। ओके जी, अभी हमें मुझे इसकी स्टोरी मोड की अभी कोई स्टोरी की कोई समझ नहीं, मैं स्टोरी में चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है करना क्या, यहाँ से आगे जाना क्या, मैं क्योंकि ऐसे ना हो गई पंगा ले लो। अच्छा हमने लोड की एम्प्टी स्लॉट्स, ये क्या है यार, ये तो मुझे वहां पर लेके जाए जहाँ पर कल पढ़ाना हुआ, जो आखिरी मिशन था वो मैंने पार किया था, ये मतलब वही वही दोबारा लोड करने से मतलब जो मैं अगले में चला गया था वो शायद मैंने स्टोरी बता रहे साथ ही मैंने बंद कर दी थी गेम, वो सेफ नहीं हुई होगी। चलो यार कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट की बात है, मैंने बस उस बंदे को मार के वहाँ जाना है, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। ओके मैंने सुनी नहीं थी, मुझे लगा मिशन खत्म हो गया कि नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, मैंने गेम कर दी बंद, मुझे अब समझ आ गया अब मिशन वो पहला खत्म हुआ है टोटल, अब जो नेक्स्ट है वो अब शुरू होगा, ये मेरे ख्याल से डेथ इन दी फैमिली, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट मिशन अब हम इसको करते हैं, वो मेरा थोड़ा दिमाग हिला हुआ था कल, कोई बात नहीं हिल जाता यार, छोटी छोटी बातों पर नहीं, ये नेक्स्ट ही है लग गया पता है मुझे, इतनी को तो समझ आया ना यार मुझे। She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead, according to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate.
Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Prince Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you... अच्छा मुझे ऐसा पता क्या लगता है इनमें से किसी बंदे को मार के मैंने इनके कपड़े पकड़ लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पकड़ सकते हैं क्योंकि पिछले मिशन में भी इस तरह हुआ था बाकी ये तो आपको ही पता मैंने कभी ये गेम पहले खेली नहीं और इस वजह से ना थोड़ी समझ से बाहर गेम हो जाती है कोई बात पकड़ना नहीं मुझे पकड़ना नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनके कपड़े पहन लेने चाहिए थे इस बंदे को मारे ये मुझे पकड़ भी सकता है वैसे भी यार इसके टिंड की डिटेल चेक करो इसकी टिंड की डिटेल चेक करो मतलब किसी चीज में इतनी डिटेल ही नहीं थी इसकी टिंड में यार देखा अब खत्म हो गया मतलब अब वो मुझे पकड़ नहीं सकते अच्छी बात है इस तरह ही होना चाहिए मतलब गेमर ने ये चीज अच्छी डाली है कि हम कोई ऐसा तरीका किसी को मार के साइड पे करके और उसके कपड़े पहन के मतलब एंटर हो सकते हैं ये तो बड़ी गेम इस तरह की होती है समझ नहीं आती अब करना क्या है ना कपड़े पहनो उधर उधर पता नहीं जस्ट ढूंढने होते हैं और वो मिलते नहीं अब नहीं मुझे रोक सकता क्योंकि मैं अब यहाँ का मालिक बन चुका हूँ इधर रास्ता होगा मेरे ख्याल से ये लगता है वहां से तो घर हम जा नहीं सकते Hey, how did you get in here, sir? Yeah, okay. Don't come back. It's for your own good. मैं अंदर नहीं जा सकता ओके कोई बात है कोई मसला नहीं मतलब कि ये यहाँ से जा सकते हैं मैंने गौर नहीं किया वैसे मैं दूसरी तरफ चला गया था लेकिन अब यहाँ से अंदर भी आ सकते वैसे मेरा पता है क्या मूड है अच्छा मुझे लगता है इस बंदे को मुझे उड़ा के इसके कपड़े पहन लेने चाहिए ये और बंदा होगा इनका मतलब जो बंदे इसके घर के अंदर है ना इनमें से किसी को उड़ाना पड़ना है ताकि मैं इनके साथ शामिल हो सकूं यार वैसे मैं बताऊं पिछले मिशन से ज़्यादा डिटेल्स जो घर के एनिमेशंस की करेक्टर की डिटेल्स जो मुझे इस मिशन में मिल रही है ना मुझे पिछले मिशन में इतनी अच्छी नहीं लगी बाकी इसकी टिंड की डिटेल कमाल है इसकी टिंड का तो मुकाबला ही नहीं है अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गई है उससे ऊपर लिखा है इस बंदे को मार के इसके कपड़े पहन के खुद को शो कराना है इसके जैसा मतलब कि मैं ये हूँ यार बहुत अच्छी डिटेल्स है यार कोई हर तरफ बंदे अ वर्क ऑफ आर्ट सर यू आर ट्रेसपासिंग स्टॉप ये मैंने एक स्कीम लगाई है और मुझे कंफर्म है कि ये मेरी स्कीम काम करेगी और पर मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि यार मेरे पास कोइन खत्म हो गया यार गलत बात है
Stop! No! Paul! Help! Sir! किसे नहीं देखा? Don't go any further. Target engaged in this fight. जैसा कि आप देख रहे हो, हमने बंदा नाप लिया है और हम इसको अंदर डालेंगे ताकि कोई इसको पकड़े ना। और नहीं है बेटा, बाहर क्या हुए। अच्छा, अब हम यहाँ पर लीगल हो चुके हैं। जो जो बंदा देख रहा है मैं उनको बता दूँ, अब हम यहाँ पर लीगल हैं और हम इसको पकड़ लेते हैं ताकि हम सफाई करने वाले लगे। अच्छा, ये बाकी सफाई करने लगे, ये लगा बना तू एजेंट है वे। इसको हमने नापना है। ओके, वो होता ना साहब चक्रे गिल्ली नापने। मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, कहीं पर खाली हुआ मैंने उड़ा देने से। यार ये है ना, ना था तो मुझे नहीं उम्मीद अंदर से कोई इतनी जल्दी देख सकता। मैं इसको मार के साइड पे लेके जा सकता था, इसके अंदर डाल देता। ओ आ गया बाहर। अपनी मौत को इसने क्या कहते हैं, if you're dressed like a detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Okay, ji hamara pehla jo scene tha wo complete ho chuka hai. Humne uske kapde pehen liye, badi mushkil lagi, matlab itni mushkil nahi lagi, matlab 5-10 minute mein ho gaya, lekin us bande ne zaleel bada kiya kyunki wo bandon ke andar se bahar nahi tha. Aur ab main jaunga aur main unko kahunga ki main hi hu banda jo jisko aapne mugwaya hai ya bulaya hai. I need you to keep your head down if you want to stay alive. It's not safe here. Acha, ye ladra hai aapas mein. Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow me, sir. Okay. आपके पीछे, आपके जहाँ जाओगे आपके पीछे रहूँगा मैं। आप जाएं तो सही है। कौन? वही वहाँ नहीं था जाना? ये तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। यार गेम्स की डिटेल्स भी यहाँ इस मौके पे बहुत अच्छी हैं। Current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning. Their mother is not dead at all. ऊपर जा। So please bear with them if they seem affected. यार सुस्ती है कसम से यार, ये बंदा सुस्ती। Follow Mr. Fence बे, पता नहीं किस तरह के इनके यार नाम होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। क्या बेटा चल छुट्टी है। I'll consider her dead when I leave. ये इसको कहते हैं जिंदा। ये क्या कर रहा है? इस तरह का डांस कोई करके मुझे दिखा सकता है? ये स्पीड से ये सिर्फ एजेंट 47 ही कर सकता है, क्योंकि और किसी गेम में इस तरह होता नहीं ना। इस वजह से एजेंट 47 कर सकता है सिर्फ। बड़ा मजा आया, अभी हम बाहर जा रहे हैं ठंडी हवा में, मजा आएगा। करना क्या बेटे, तुम मुझे पहले ये बता। Madame Carlyle suspects foul play and will not accept. यार कितना स्लो बोलता यार ये। I've prepared some information for you. जल्दी। So please do come and see me when you finish your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. जल्दी। To my right. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body 47? Dead body है कहाँ? अच्छा ये है। ओके, हमने अभी कैमरा इस्तेमाल करना है अपने डेड बॉडी को स्कैन करने के लिए। कोई इनका नया फंक्शन मतलब कि नई टेक्नोलॉजी अंग्रेजों की। हमने अब कैमरे के जरिए इसकी बॉडी को स्कैन करना है। यार देख लो दुनिया कहाँ पहुँच गई, कैमरा कहाँ है ये है और हम कहाँ पड़े हैं। अब ये स्कैन हो गया, क्या बात है। और यार हम ना सामने इसको रखेंगे, फाइबर वायर बड़ी कमाल की चीज़ है, बंदे को सांस भी नहीं लेने देते यार, आवाज चीख भी नहीं मार सकता। A hidden door. वो कितनी जल्दी यार हमें मिल गया। It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside.
यार ना सच में तो कितनी जल्दी मिल गई यार हमें, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा जितनी जल्दी हमें मिल गया ये। वो तो बाहर जाने का रास्ता कोई बात है। अच्छा हमने भी इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना है, इधर चीजें पड़ी हैं, वो इसका लैपटॉप पड़ा है, पहले हम लैपटॉप को जाकर चेक करते हैं लैपटॉप में क्या क्या इसकी चीजें पड़ी हैं, कोई गंद बुलाना पड़ा हो बस। Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. साले तू ऊपर से नीचे भी आ गया इतनी जल्दी, स्किन तो मुझे लगा यार पागल का बच्चा है। मिस्टर फर्न्सबी खड़ा हो इधर, इधर तू हिलिया तू गया, तू मुझे जानता नहीं है यार, मैं 47 आई के 47 यार उड़ा दूंगा सबको उड़ा दूंगा। सांस चढ़ गया यार, भाग ही जा रहा था मैं इसके सामने कैसे जाऊं, खड़ा तो बोला दिया बंदिया। शी इज रियली टेंस दीस डेज एंड द लास्ट थिंग आई नीड इज मोर हैसल। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि यार हमने कौन सी लोकेशंस पे जाना है, हमने एक मिनट ये किया मेंशन स्टाफ गार्डनर अजीज सामान पर। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो कैमरे बने हैं हमने इन पे जाना है कि हमने ये इन पे जाना है, ये जो मतलब कि मिशन वाला आइकन होता है ये। सबसे पहले तो ये मेरे बिल्कुल सामने है ना, मैं पहले बाहर जाऊँ। अच्छा ये भी है यार, ये खड़ी नहीं होती यार, कोई नहीं खड़ा होता इनमें से, मैंने साफ लगाया। You are way too close to me and you're really freaking me out. Can you just leave me please? Oh wow, आपसे बात करनी है बस, मैंने आप मुझे लाइन ही नहीं दे रही कोई। जैसे वो गुस्सा चढ़ गया मुझ पे, बोल ही नहीं रही है। चल तेरे लिए मैं बुआ खोल देता हूं बाहर। You are right in my personal space right now. ठीक है सॉरी, पर मैं तुझसे बात करना चाहता हूं यार। Rebecca calling. Can you tell me about yesterday evening? We did. मैं फिर गलत रास्ते पे था, मैं इधर जाना था यार, मेरा दिमाग हिल गया यार, तुम लोग नहीं मुझे बता सकते। अब हम जाएंगे ऊपर क्योंकि निचला फ्लोर पूरा मेरे ख्याल से एक्सप्लोर हो चुका है, तीन बंदे के चार वहाँ मिले चार, अब हमें ऊपर जाना है रे यार। पहले इधर देखते हैं, उधर मेरे ख्याल से मैं नहीं गया, या गया हूँ या नहीं गया, मैं गया हूँ या नहीं गया। इनकी टूटी चला दें, ओए कमाल है, टूटी चला देंगे सारे पानी में डूब के मर जाएंगे, चला ओए ऐसी सा पानी भरेगा सारी पूरी, मैं कहता हूं पूरा ये इनका घर पानी में डूब जाएगा, वो देख रहे हो ना, अभी देख लो पानी नीचे गिर रहा है, अभी पानी भरता ऊपर आ जाएगा, दो तीन दिनों में पूरा घर इनका डूब जाना है पानी में, मतलब कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये ट्राई करते हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैं ये ट्राई करना चाहिए, हम यहां पर कहीं पर आ गए, चाहिए ये नीचे जा सकते हैं हम, ओके नहीं पर पास्ट विंडो, ओके अच्छा इस तरह था, मतलब हमें एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना, वहाँ से हो गया, अब यहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं। कमाल हो गया यार, हम वहाँ से घूम के खिड़की से इस कमरे में आए हैं और साथ उसके वो वॉशरूम है, कमाल हो गया यार। A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? हमें सूटी मिल चुकी है, हमने एक वो चीज़ थी जो भी था वो भी कर लिया हुआ है, हमने अब यार यहाँ पर आना है और बहुत मेहनत की है यार, मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया है और मेरी सच बताऊँ तो फट के बाहर आ गए यार, कि मतलब इस तरह की गेम चलो इस तरह होता है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, मतलब समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा करना।
1 मिनट यार, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ आ गई, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो हमारी सिक्स सेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा हमने ये सारा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है मेरे हिसाब से, अब हमें जो करना है ये वाला एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो सारा हो गया। अब ये चीज़ें हैं दो और ये यहाँ पर जाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल बिल्कुल कहाँ हूँ मैं, अच्छा मैं इस तरफ हूँ पर मुझे जाना है इस तरफ। ओके ओके, साल के तौर पर भी बस यही जा रहा हूँ। ओके हाँ, वो जो बड़ी बिल्डिंग है ना वो रह गई है, उसके अलावा मैंने मेरे ख्याल से इसका तीसरी जो मंजिल है जहाँ पर सिक्योरिटी थी, उसके अलावा मैंने इसकी 2 मंजिल जो है वो मैंने पूरी घूम ली हुई है, अब बस वो हिस्सा रह गया, मुझे वहाँ जाना है। ये क्या दिखा रहे हैं हमें, ये हमें दिखा रहे हैं कि इसकी मौत करीब है और ये बचने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर हम इसे उड़ा के रहेंगे। अच्छा मिशन स्टोरी भी मिलेगी, ये गेम सेफ हुई है, मतलब कि यहाँ कोई चीज़ है, ये पिछली बार भी एक बार आया था और वहाँ मुझे कोई चीज़ मिली थी और इस बार भी आया है। अनलॉक डोर बंद है, एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे रे। अभी खोलेंगे, मिल गई औजार देंगे हम। चवल जी ने हमें देख लिया, लड़की ने पता नहीं लड़की लड़का बच गए, मैं बच गया। You heard me, dick. Let it go. छुपन छुपाई खेलेगा रे, छुपन छुपाई मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। ये मुझे लगता बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे यहाँ तो मरना पड़ रहा है। मुझे यार मरना ही पड़ना था क्योंकि ऐसे मिशन प्रोग्रेस नहीं था होना। बच गया यार, आप देख रहे हो यार मैं बच गया हूँ इस बार, देखने लगी थी लेकिन मैं अंदर दौड़ लगा गया। This is a table showing lethal dosages for the... समझ नहीं आ रही हम किस तरह करें, मतलब ये हमें इसने मिशन दे दिया है, गेट रिड ऑफ बर्ड नेस्टिंग इन द ग्रेवयार्ड। यार हम पागल हैं, मतलब मिशन वो था केस फाइल ढूंढो ऐसे करो वैसे करो, ये उसने अंदर शामिल कर दिया है और मुझे इतना तो पता चल गया कि ये हमें तबाह नहीं मतलब पन्नी है क्रॉस की, ये कोई चीज पर ही है। I need to work on my aim. I'll never get rid of those stupid birds. लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि इसे उड़ाने की वजह ये है कि हम इसके सामने गोली चलाई और इसने चवली लगा रही है, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम इसकी बॉडी को उठा के अंदर करते हैं। अब आएगा मजा, अब हम अपनी गन इस्तेमाल कर सकते हैं यार। हाँ और कौन से थे, बस वो यार हो गया मिशन पारे, मतलब कि दिमाग की बात थी। Finally, the birds are gone. That's a little too close. Finally, the birds are gone. Just... तो यार फाइनली हमने अंडरटेकर अंडरटेकर के कपड़े पहन लिए हुए हैं। अब हमने अब ये एक निशान दे रहा है, हमने यहाँ पर जाना है इन्फॉर्म द स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर को इन्फॉर्म करना है। और ये हमारी पहली गेम मतलब प्रोग्रेस हो गई है गेम की, ठीक है। बड़ी थोड़ा मुश्किल हुई यार इधर आने में, वो पहले उधर जाना मुझे नहीं था, मुझे लगा था कि घर के अंदर ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन घर से बाहर निकल के दूसरी जगहों पर भी जाना था, वो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अब हो चुका है। बस अभी हमें फाइंड द केस फाइल रह गई, ये तब का मेरे पास अवेलेबल है मिशन, लेकिन मुझे पता नहीं फाइंड द केस फाइल कहां पर मिलेगी। ओके ओके, मिस्टर पार्सन्स इज रेडी टू, अच्छा वो भी इन्फॉर्म कर रही है। ओके यस, वेट फॉर अलेक्सा टू अराइव। अभी मुझे वेट करना है अलेक्सा का, बुड्ढी का वेट करना पड़ेगा जिसको मैंने मारना है। अभी यहां पर बुड्ढी आ रही होगी, टेंशन नहीं लेनी। केस फाइल मुझे अभी तक नहीं मिली, पर मुझे कोई पिक्चर कोई बात नहीं,
टेंशन क्यों ले ली, जल्दी ढूंढ लेंगे केस फाइल। वो आ गई है, ये बुड्ढी है ना? हाँ ये बुड्ढी है, ये बुड्ढी आ रही है इस यहाँ पर। I trust we can be efficient now I'm here. अब बस एक मिशन है। I can be very efficient, Madam Carlyle. Okay. What's that picture of me doing here? What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say I don't care much for the choice of flowers either. I need a moment to consider what I want. अच्छा मुझे लगता है भी मुझे इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। What's that podium? यहाँ मुझे इसको मारना तो नहीं है, ट्राई करूँ, मिशन फेल हो जाएगा तो बड़ा निकालेंगे, वो मसला नहीं है, इसको ट्राई करता हूँ मैं मार के। मुझे उम्मीद है कि इसको मैंने मार दिया, क्योंकि देखो ना सब कुछ खाली हो गया, इसके बस एक बंदा ही है वाला। अगर मैं इसको यहाँ मार देता हूँ तो फिर बड़ा ही मजा है। पहले मैं कॉइन फेंक के उसको करता हूँ दूर और इसको उड़ा देता हूँ। कॉइन है ही नहीं यार मेरे पास। What is this? No, I prefer to keep it simple. पहले हम इसको रिप्लाई करते हैं। What is wrong with you? बेटा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। And the gravestone. मुझे लगता है मुझे इसको इधर ही मारना है। No fuss. I like it. Well done, Mr. Parsons. I approve. ये बंदा यार वो इतनी दूर का दिमाग लगा के मुझे उड़ा देना है। I expect you to remove my picture from the memorial. That was an absolutely horrendous idea. Very unfair. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Okay, हमने मार दिया उसको. और दोनों की लाशें अंदर फेंक दी हैं. अब हमें फाइल ढूंढ रही है। अब फाइल कहाँ से मिलेगी ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें फाइल मिल सकती है इस घर के अंदर ही से या फिर उसके कमरे से। अब उसका कमरा भी मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन हम पहले भी घर के अंदर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। फाइल बस हमें ढूंढ रही है। अरे वो जो आगे एक बंदे के ऊपर सवाल ये निशान आया था ब्लू कलर का, वो तब उससे हमने ना बात कर सके ना कुछ और कर सके थे। वो बंदा था मेरे ख्याल से इधर कहीं, इधर इस जगह पर कहीं आया था, उसके पास चलते हैं यार। अब कुछ मतलब वहाँ पर प्रोग्रेस हो। कहाँ जाएँ हम, कहाँ जाएँ हम, कहाँ जाएँ यार। इस जगह पे भी डिटेल्स बहुत अच्छी है। मेरा कसर इस बात से ना हिटमैन 3 पे दिल आ चुका है कि डिटेल्स बहुत अच्छी है यार इन्होंने दी यहाँ पर। अच्छा आप मुझे पता कहते हैं हमने फाइंड द केस फाइल, हमारा पूरा मिशन कम्प्लीट हो चुका है, हमने उस बुड्ढी को मार दिया है ठीक है, लेकिन अभी भी केस फाइल हमें चाहिए और वो मुझे लगता है थर्ड फ्लोर पर होगी। अब थर्ड फ्लोर पर मैं तुक्का नहीं लगा रहा क्योंकि हम जब का मिशन कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता हम थर्ड फ्लोर पे जाएं ही ना, लेकिन हम तब के नहीं गए क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थी। तो अब मुझे लगता है हमें जाना चाहिए वहाँ पर। हमें केस फाइल ओके, हमने सूट पहना, सूट ये सूट इस जगह का नहीं, हमें पहले यहाँ से अंदर आना है। मैं कहता हूँ अन्नी ना डालें। हाँ अन्नी डालते हैं यार, हमारी बस उस पर स्कोप लगी है बस। मैंने उसके कपड़े उठा लिए और अब मैं भाग के ऊपर जाऊंगा। ये इससे ऊपर कैसे जाना है, मतलब इस जगह से ऊपर।
or whatever it is you call you. Oh. ये भी तरीका है यार, हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं. Password gaya yaar, password to mujhe pata hi nahi. Curious icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office 47. Acha, usne hame kaha hai ki hame office mein thoda searching karni padegi code dhoondne ke liye. Code aakhir kahan ho sakta hai code yaar. ओके मैन यार, वही नो कोड, हमें कोड पता चल गया, हम कोड यहाँ पर लगाएंगे. अब ये ना पूछना कैसे पता चला, बस पता चल गया. अब मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत करने से इंसान कामयाब है. अब हमें पता चल गया कोड, अब हम यहाँ कोड लगाएंगे. अच्छा ओके, अब बस ये वाला सही हो कोड, क्योंकि इसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी कसम से यार. ओके लुक एट द एग्जिट. मिशन कंप्लीट, वेल डन 47. Smells so fresh. Yo, house staff. अच्छा हमें ये मिल चुके, अब हमें बाहर भागना है. Forget his eyes. भागना है, भागना है. So swollen, it didn't even look like Zachary. I've never seen a dead body before. It must have been awful. Do you think it was a suicide? अच्छा रे, वहाँ से बाहर क्या है? अभी जाएंगे. A murder. पहले मुझे यार ये तो मुझे पानी गए है. अच्छा वो पाइप है, मैं पाइप पता ही नहीं है. अच्छा नीचे वाले को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है, कमाल है. ऊपर वाले लाल पागल हो गया. मुझे बाहर निकलना, मुझे वहां पर जाना है. रास्ता, अच्छा रास्ता वही है जहां से हम आए हैं, जाहिर सी बात है. निकल के तो मैं रहूंगा इधर, नहीं से नहीं तो आगे से. पर मुझे कोई पाइप मिल जाए नीचे उतरने के लिए. पासवर्ड डोंट मेक दिस वर्स देन नेसेसरी. यस मैन, आई एम एट द सीन. अंडरस्टूड. मुझे बस पाइप चाहिए नीचे उतरने के लिए, ओनली पाइप. ये मिल गया फाइनली गाइस, हमें पाइप मिल चुका है. अब हम नीचे उतर सकते हैं यार. नीचे उतरने का बड़ा मसला था आगे. मजा आ गया रे. अब हमें दौड़े चेक करना. एजेंट 47 जब भागता है तो अन्नी भाग के भागता है, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी. ये हमारा पहला पहला नहीं यार, ये दूसरा मिशन है यार. भाई इसको लगा, ये वहां से घूमना पड़ेगा. मैं से ये मैं से बोल रहा हूं, वो जो गाने साथ में गाने लिया है.
ओके हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से, ओके ओके ओके। और फाइनली यार पहले हम यहाँ रुके, ये बता दें कि हमारा दूसरा मिशन पार हो चुका है, हम बाहर जाएंगे, हमारा सेकंड मिशन कम्प्लीट है, अब जो तीसरा मिशन है तीसरे पार्ट में आएगा। और यार यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम लोगों का क्या जाता, पता नहीं यार कितनी देर मुझे कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा देर ये मिशन पार करते लगी है। आ गया मुझे पता नहीं कितनी देर ये मिशन, इसकी एक्सप्लोर करने में, चीज़ें ढूंढने में पता नहीं कितनी कितना टाइम लग गया यार, आपको इतना टाइम ही लगेगा लाइक सब्सक्राइब करने में, तो यार करना ज़रूर है सब्सक्राइब लाइक, और हम निकल चुके हैं। Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. ये क्या हुआ है? अपना बंदा मार दिया यार इन्होंने, अब तो हमारी इनसे पर्सनल दुश्मनी है, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं सबको तोड़ देंगे। हीरो बना था अपनी तरफ से, वो ये एजेंट नहीं है। Walk away or what? You gonna take us all on? अब क्या करेगा ने छोड़े? Tell the constant to start running. Maar di goli. You think you've won? 47 is out there, and 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. तो यार यहाँ पर मेरा तीसरा मिशन शुरू हो गया, अब दूसरा मिशन मैं कहूँगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, थोड़ा इमोशनल भी हो गया था एंड पे, यार 47 के यार यार को मार दिया के बाद है, उसके बाद पता नहीं अब जो उसकी बॉस है क्या नाम था उसका मुझे नहीं याद, लेकिन अब पता नहीं यार वो इनका साथ देती है कि बिट्रे करती है या धोखा देती है इनको, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो अगली स्टोरी में पता चलेगा, अगली स्टोरी आएगी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, अभी अभी के लिए इतना ही। और यार मैं सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगी है, मिसाल के तौर पर अगर आप आधे घंटे या घंटे का भी गेम प्ले देखते हो ना, उस आधे घंटे घंटे के गेम प्ले को बनाने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो और ये गेम भी इस तरह की थी, एक्सप्लोर करनी होती है चीज़ें, नहीं हमें नहीं पता होता मिशन कहाँ पर है, ठीक है हमें एक्सप्लोर करना है, जाके देखना, हर एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा फिर समझ आती है मिशन कहाँ पर है, उसने कोई निशान नहीं दिया होता, ठीक है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, एक्सप्लोर करने में, तो यार बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक वगैरह, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जाहिर सपोर्ट की सपोर्ट करोगे तो तब भी मतलब कि तरक्की होगी ना, ऐसे थोड़ी तरक्की होती है। तो हम यहाँ इस पार्ट को ख़त्म करें, नेक्स्ट पार्ट अगले इसके तीसरे जो इसका अगला मिशन है, तीसरा मिशन इसके तीसरे पार्ट में आएगा, अभी के लिए इतना ही बहुत है, और मेरे ख्याल से ये भी घंटे के करीब शायद बन ही जाए वीडियो।